जैसा कि हम लोग पहले कंडक्टर के बारे में बात कर चुके हैं, आज अपनी बात को मज़ीद बढ़ाते हैं और एक लॉ के बारे में पढ़ना सीखते हैं। जैसे कि ये हमारा एक कंडक्टर है, लेट्स सपोज कि ये कंडक्टर है। हमें मालूम है कि कंडक्टर के अंदर जो है एटम्स होते हैं, और इन एटम्स के एटम्स जो हैं वो अपनी जगह पर स्टेबल होते हैं, यानी कि फिक्स होते हैं। और इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे कि आपको मालूम होगा कि ये एटम है, एटम के सेंटर पर जो है वो न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो सिर्फ प्रोटॉन की वजह से आते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर जो है चार्ज वो ज़ीरो होता है। और इसका जो बाहर वाला ऑर्बिट है, ये लास्ट वाला ऑर्बिट है, उसके अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ईजिली मूवमेंट कर रहे होते हैं। अगर तो इस मदार का या इस ऑर्बिट का न्यूक्लियस से फासला या डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, ये यहाँ पर रिवॉल्व करने की बजाय इस न्यूक्लियस को छोड़ के फ्रीली मूव करता रहता है। तो जो कंडक्टर्स होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके लास्ट ऑर्बिटल से निकल के एटम्स के फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। इस तरीके से जगह जगह कंडक्टर के अंदर मूवमेंट कर रहे होते हैं। हमने लास्ट टाइम बात की थी कि कंडक्टर के अंदर बेशुमार आज़ादाना इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर रहे होते हैं, जो कंडक्टर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक मूव कर रहे होते हैं। और हमने ये भी बात की कि कंडक्टर के ऊपर आम हालत में चार्ज जो है वो ज़ीरो होता है। हमने ये भी बताया कि जो चार्ज है वो आम कंडीशन में जब इसे बैटरी के साथ कनेक्ट ना करें तो ज़ीरो क्यों होता है। इसकी वजह हमने ये बताई कि जिस तरह इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर मौजूद इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से इस डायरेक्शन में मूवमेंट शो करते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से इस डायरेक्शन में मूवमेंट शो करते हैं। तो ओवरऑल दोनों इलेक्ट्रॉन की ये जो मूवमेंट है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। तो इलेक्ट्रॉन का जो बहाव है या उनके इस तरह से हरकत करने की वजह से आम हालत में, आम सर्कमस्टांसिस में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। लेकिन जैसे ही हम इस कंडक्टर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें, जैसा कि इस तरीके से कि अगर मैं इस टर्मिनल को बैटरी के इस जो साइड है इसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और इस वाली साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दूं, तो अब क्या होगा कि अब जो है हमारे ये इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंडर आ जाएंगे, जिसकी वजह से अब ये फोर्स्ड हो जाएंगे, ये मजबूर हो जाएंगे कि इन्हें एक ही डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट शो करनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, हमें मालूम है कि इसकी डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव होती है, और हमारे जो फ्रीली मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन हैं, अब चूंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर आ गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में है। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब वो जो है नेगेटिव टर्मिनल से स्टार्ट करेंगे मूवमेंट करना, और ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते चले जाएंगे। ये हमारी ई की डायरेक्शन होगी और ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होगी। जितना वोल्टेज हम इस कंडक्टर को देते हैं बैटरी से ना, यानी कि यहाँ पे हमने बैटरी लगा ली इस तरीके से, इसे इस तरह से बना दूँ कि ये हमारे पास जो है एक कंडक्टर है उसके साथ बैटरी लगा दी। जैसे कि यहाँ पे मैंने 6 वोल्ट की बैटरी लगाई, जितना वोल्टेज मैं इस कंडक्टर के दोनों अपोजिट साइड्स पे कनेक्ट करूँगी, जितना वोल्टेज इनको दूंगी, उतना ही ज़्यादा करंट आई इस कंडक्टर के अंदर से फ्लो करेगा। लेकिन यहाँ पर मुझे एक कंडीशन भी लगानी पड़ेगी, वो कंडीशन ये है कि मुझे इस कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो और इसकी फिजिकल स्टेट्स हैं, कंडक्टर टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेट्स, इन्हें मुझे कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट रख दी जाए, टेम्परेचर भी और फिजिकल स्टेट भी, तो उस सिचुएशन में आप जितना वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे इस कंडक्टर के ऊपर जितना वोल्टेज देंगे, उतना ही ज़्यादा इस कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करेगा। हम लोगों ने टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट को क्यों कांस्टेंट लिया, इसकी बात हम बाद में करते हैं, लेकिन इसे फिलहाल के लिए हमने कांस्टेंट रखा है। जब इन दोनों चीज़ों को कांस्टेंट रख लिया जाए, तो आप जो मुख्तलिफ जो हैं आप अपने प्रैक्टिकल्स करेंगे ना फिजिक्स लैब के अंदर, तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों चीज़ों को कांस्टेंट रख देंगे, तो आप जितना वोल्टेज बढ़ाते चले जाएंगे इस कंडक्टर के ऊपर, उतना ही आपके पास जो करंट है वो बढ़ता चला जाएगा। तो हम कहते हैं कि जो हमारा वोल्टेज है, ये वोल्टेज डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे करंट के साथ, जब इसकी दोनों कंडीशन को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू R है, और V को अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी की इलामत हटाऊं, तो यहाँ पर मुझे मालूम है कि मुझे इज इक्वल्स टू के बाद सम कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ता है, और यहाँ पर जो इसकी जगह कांस्टेंट आएगा वो कांस्टेंट R है।
जो कि रेजिस्टेंस के लिए अप्लाई किया जाता है। रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट ना हो तो हमारा जो करंट है वो हमारी वी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं करता, हमें अपनी रेजिस्टेंस को कांस्टेंट मानना पड़ता है। ये कांस्टेंट होती है, टेम्परेचर भी हमारा कांस्टेंट होता है और हमारे पास जो है फिजिकल स्टेट्स वगैरह भी कांस्टेंट होती है। तब हमारा जो वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया बैटरी के थ्रू किसी भी कंडक्टर के ऊपर, वो उस कंडक्टर से पास करने वाले करंट के डायरेक्टली रिलेटेड होता है। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि ये ओहम्स लॉ है, ये हमारा ओहम्स लॉ है। ओहम्स लॉ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जर्मन साइंटिस्ट ने बताया था, उसका नाम साइमन ओहम था, तो ओहम्स के नाम पर इसका इस लॉ का नाम रख लिया गया जो कि ओहम्स लॉ है। अब ओहम्स लॉ की भी जो है वो लिमिटेशंस हैं। इसकी लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ कंडक्टर पर ही अप्लाई किया जाता है और उन कंडक्टर के ऊपर जिनकी टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट को आप लोग कांस्टेंट कर दें, तो उस कंडक्टर का जितना भी वोल्टेज आप उसको दें वो वोल्टेज उस कंडक्टर के अंदर से पास करने वाले करंट के डायरेक्टली रिलेटेड होता है। अब अगर मैं आपको इसकी एक एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन से बताऊँ तो उसे मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि ये हमारे पास एक सर्किट है, सर्किट के साथ ये हमारे पास बैटरी लगी हुई है। इस बैटरी के साथ यहाँ पर हम लोगों ने एक एम्पेयर मीटर लगा दिया। एम्पेयर मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि करंट को मेजर करता है, ये करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस एम्पेयर के साथ मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दी। इसके बाद हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में भी पढ़ेंगे कि किस शेप की होती है और क्यों सर्किट्स में इस्तेमाल की जाती है। ये हमारे पास रेजिस्टेंस है और इसके बाद यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर जो है वो वोल्टेज को मेजर करता है, ये वोल्टेज को मेजर करता है। और यहाँ पर हम लोग एक रियोस्टेट लगा देते हैं जिसका सिंबल ये है RH। रियोस्टेट जो है वो ये मेजर वो वेरी करने के लिए इस्तेमाल होता है हमारे इस पोटेंशियल डिफरेंस को, यानी कि किसी भी सर्किट के अंदर आपने अगर वोल्टेज की वैल्यू को तब्दील करना हो तो आप वहाँ पर रियोस्टेट इस्तेमाल कर लेते हैं। अब ये हमारे पास जो है वो वोल्टेज है जो हमने बैटरी को दिया है, जो हम लोग ने इस सर्किट को दिया है। अब आप देखें कि आप जितना वोल्टेज बढ़ाते चले जाएंगे वो वोल्टेज यहाँ पर मेजर होता चले जाएगा और उस वोल्टेज की वजह से इस रेजिस्टेंस में जितना करंट पास होता चला जाएगा वो भी यहाँ पर मेजर होता चला जाएगा। अगर आपको वोल्टेज यहाँ पर जैसे कि आपने 6 वोल्ट दिए हैं लेकिन आप इस वोल्टेज को चेंज करना चाहते हैं तो आप वो रियोस्टेट की हेल्प से करेंगे। लेट्स से कि मैं कहती हूँ कि जब मेरा वोल्टेज जो यहाँ पर है 2 वोल्ट है तो मेरा जो करंट है वो तकरीबन मेरे पास 1 वोल्ट, यहाँ पर एक जो है एम्पेयर आया, यहाँ पर एक एम्पेयर था। इसके बाद जब मेरा वोल्टेज जो है वो 4 वोल्ट हो गया है तो मेरे पास जो करंट है वो 2 एम्पेयर हो गया है। इसके अलावा जब मेरा यहाँ पर वोल्टेज तकरीबन 6 वोल्ट यानी कि मैंने 6 वोल्ट यहाँ पर अप्लाई किया है तो उस सिचुएशन में मेरा जो करंट है जो एम्पेयर जो है मैंने एम्पेयर मीटर से मेजर किया है वो यहाँ पर मेरे पास 3 एम्प्स आ जाता है। इसके अलावा ये इसी तरह से चलता चला जा रहा है। अगर अब मैं इन वैल्यू को लेकर ग्राफ ड्रॉ करूँ तो ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा कि ये मेरे पास करंट की वैल्यू और ये जो है मेरे पास वोल्टेज की वैल्यू होगी। ये वोल्टेज आ गया एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हमारे पास करंट आ गया। करंट जो है ये हमारे पास 0 है, देन 1, ये 2, ये 3 और ये हमारे पास 4 तक हम लोगों ने इसे प्लॉट कर लिया। यहाँ पर हमारे पास 2, 4 और 6 इस तरीके से है। जब वोल्टमीटर हमारे पास रीडिंग जब हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू जो थी 2 तो हमारे करंट की वैल्यू थी 1, फिर हमने जब इसे 4 किया तो करंट जो है हमारे पास 2 आ गया, फिर हम लोगों ने इसे 6 किया तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू है वो 6 आ गई इस तरीके से। तो जब इसे आपस में हम लोग मैच करते हैं इस लाइन को तो ये हमारे पास इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है जो ओरिजिन से मैच करती है। ये तो मैंने एक रफली स्केच किया है ना, लेकिन जब आप इसे ग्राफ पेपर के ऊपर स्केच करेंगे तो ये बिल्कुल इस तरीके से ही ग्राफ बनेगा जिसमें स्ट्रेट लाइन आती है। लेकिन ये ग्राफ जो है हमारे पास हमेशा स्ट्रेट नहीं आता। जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे कि बहुत से ग्राफ ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रेट नहीं आते। जैसा कि मैं अगर बताऊँ तो कुछ ग्राफ इस तरीके से आपके पास बनते हैं कि ये जैसे कि आपका ग्राफ है आई और वी, तो कुछ ग्राफ तो जो हैं वो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आ जाते हैं लेकिन कुछ जो हैं वो इस स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा इस तरीके से इस तरफ बेंड हो जाते हैं या थोड़ा सा इस कर्व से इस तरीके में बेंड हो जाते हैं। तो जो ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे कंडक्टर्स या ऐसे सब्सटेंसेस जिनके लिए हम लोग वी और आई का ग्राफ प्लॉट करें और वो स्ट्रेट लाइन दे, तो उन सब्सटेंसेस को हम लोग कहते हैं कि ये ओहमिक सब्सटेंसेस हैं।
और वो सब्सटेंसेस जिनके लिए हमारे पास स्ट्रेट लाइन ना आए आई और वी का ग्राफ प्लॉट करने से, बल्कि वो राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर कर्व कर जाएं, तो हम कहते हैं कि ये नॉन ओहमिक सब्सटेंसेस हैं। अब ओहमिक सब्सटेंसेस वो हुए जिनके लिए जब हम लोग आई और वी के दरमियान ग्राफ प्लॉट करें तो स्ट्रेट लाइन आए, जैसा कि अगर हमारे पास सब प्योर जितने भी प्योर मेटल्स हैं, इसके अलावा कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है जिसमें कॉपर इलेक्ट्रोड यूज़ किए गए हों, वो जो हैं ओहमिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल में आ जाता है। जबकि नॉन ओहमिक सब्सटेंसेस के जो एग्जांपल है उसमें तमाम सेमीकंडक्टर्स आ सकते हैं, इसमें जो है सेमीकंडक्टर्स आ जाते हैं, इसमें सेमीकंडक्टर शामिल होते हैं। इसके अलावा इसमें टंगस्टन फिलामेंट्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं। ये नॉन ओहमिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल में इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि हमारा V इज़ इक्वल्स टू आई आर है। अगर आप में से मुझे इसमें से R के लिए यूनिट में निकालना हो तो R यानी कि R को मैं इस तरह से बता सकती हूँ कि ये वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट है। यानी कि किसी कंडक्टर को जब आप एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दें और उसमें से सिर्फ एक एम्पेयर करंट पास हो तो उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो एक ओम आ जाती है। ओम जो है ग्रीक वर्ड है और इसे ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से। ये हमारे पास ग्रीक वर्ड है ओमेगा और इसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हमारे पास वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप था कि किस तरह से एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। तो हम लोगों ने इसे एक्सपेरिमेंट भी देखा और बज़ाहिर इसे करके भी देखा कि इस तरीके से जो है जब आप टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशन को जो है कॉन्स्टेंट मान लें तो किसी भी कंडक्टर में से पास करने वाला करंट उस कंडक्टर के साथ लगाए गए वोल्टेज के डायरेक्टली रिलेटेड होता है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर किसी कंडक्टर के फिजिकल स्टेट और उसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट कर दिया जाए तो उस पर जो वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा उस कंडक्टर के ऊपर वो डायरेक्टली रिलेटेड है आई के साथ। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर किसी भी कंडक्टर के फिजिकल स्टेट और टेम्परेचर को आप लोग कॉन्स्टेंट मान लें तो आपका जो वोल्टेज आपने उस कंडक्टर को दिया है वो आपके करंट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होता है। जैसे कि इस एक्सप्रेशन को मैंने इस तरीके से बताया था कि ये वी डायरेक्टली आई है, लेकिन अगर मैं यूँ कहूँ कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वी के साथ, तब भी तो बात वही है कि अगर आप किसी कंडक्टर के ऊपर जो है जितना उस पर करंट दिए जा रहे हैं उतना ही इसमें से वोल्टेज पास हो रहा है, तो इस रिलेशन को जो वी डायरेक्टली आई है इस आई डायरेक्टली वी भी तो लिखा जा सकता है ना। लेकिन अगर मैं इसे इस तरीके से लिखूँ तो ये आई इज़ इक्वल्स टू यहाँ पर जी आर की जगह यहाँ पर हमारे पास जी वी आ जाता है। ये जो जी है इसे हम लोग कंडक्टेंस कहते हैं, जैसे इसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं इसी तरीके से जी को हम लोग कंडक्टेंस कहते हैं। कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस ये दोनों का डिफरेंस और दोनों के बारे में हम लोग मज़ीद पढ़ेंगे मगर अपनी अगली वीडियो में। फिलहाल ये अभी हम लोगों ने इस वीडियो में ये समझाया है कि रेजिस्टेंस क्या है और किसी भी कंडक्टर की अगर हम लोग टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट को कॉन्स्टेंट कर दें तो वोल्टेज और आई के दरमियान क्या रिलेशनशिप आता है और इस लॉ को हम क्या कहते हैं। तो बेसिकली आज हमने ओहम्स लॉ के बारे में सीखा है कि ओहम्स लॉ है कहाँ और ये कहाँ कहाँ पर वैलिड है। ओहम्स लॉ की लिमिटेशन यही है कि ये हर कंडक्टर पर लगाया जा सकता है, हर कंडक्टर के पास होता है, लेकिन शर्त ये है कि उस कंडक्टर के टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट को आप लोग कॉन्स्टेंट रखें, तब ओहम्स लॉ जो है वो वैलिड हो जाता है।